जय श्री राम दोस्तों, एसपीजे किचन में आज मैं बना रही हूँ रामनवमी के लिए प्रसाद। ये प्रसाद में चावल के आटे से मिठाई बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। इसके लिए मैं एक कटोरी चावल का आटा ली हूँ। मैं एक पैन गरम करके इसमें मैं इसको रोस्ट करूँगी। मैं सूखे आटा ही रोस्ट करूँगी, इसमें कुछ डाली नहीं हूँ। मैं इसको धीरे धीरे चलाते चलाते इसको ऐसे भूनूँगी, मतलब इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, कुछ कलर नहीं चेंज करना है, हल्का ही मैं इसको करूँगी गरम ताकि इसका कच्चापन हट जाए। देखिए इस तरह से कलर भी नहीं डार्क हुआ है, ठीक है, और इसका कच्चापन भी हट गया है। तो मैं इसको निकाल लूँगी, थाली में मैं निकाल लूँगी। मैं इसी पैन में दूध डालूँगी, एक बड़े गिलास के लगभग मैं दूध डाल दूँगी। दूध को मैं थोड़ी देर चलाऊँगी। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है मुझे इस दूध को। इसमें मैं एक कटोरी चीनी डाल दी, जिसी कटोरी से मैं चावल का आटा डाली हूँ उसी कटोरी से, आटा से थोड़ा कम मैं चीनी डाली हूँ इसमें, इसका मिला दूँगी मैं। और इसमें आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, चाहो तो थोड़ा फूड कलर डाल सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी जैसे हो। थोड़ा सा मैं कलर डाली हूँ, दोस्तों आप भी ट्राई करना, बहुत बढ़िया मिठाई बनती है चावल के आटे की। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अधिक से अधिक शेयर भी करना वीडियो को। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया ये दूध है। ये इसमें मैं एक चुटकी इलायची पाउडर डाल दूँगी। देखिए कर इसका कलर भी बढ़िया आ गया है। इसमें मैं अब ये आटा रोस्ट किए हुए डाल दूंगी। आटा को डालते ही ये दूध में गाढ़ापन आने लगेगा, तो मैं फ्लेम लो कर दूंगी और इसको चलाती रहूंगी ताकि इसमें लम्स न बन जाए। इसको मैं मिलाती रहूंगी बढ़िया से। देखिए इस तरह से मैं मिलाती मिलाती इसको, अब इस ये ठीक होने लगा है हमारा। तो मैं इसमें एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। इससे हमारा डो बढ़िया से तैयार होगा और देसी घी का फ्लेवर भी बढ़िया आएगा। देखिए ठीक होने लगा है हमारा डो। इस तरह से मैं एक दो बार थोड़ी और चलाऊंगी और ऐसे चलाते चलाते मैं गैस ऑफ कर दूंगी। देखिए कितना बढ़िया आटा की तरह ये बनने लगा है। तो मैं इसको आँच बंद करके उतार ली हूँ कढ़ाई नीचे। देखिए इस तरह से लोई बनने लगेगी। इस तरह से हमारा डो तैयार हो गया। तो मैं एक थाली में निकाल लूँगी पहले,
मैं थोड़ी सी और इसमें घी डाल दूंगी, हाथ में चिपके ना इस तरह से, और फिर से इसको थोड़ी सी मिला लूँगी। अभी ज़्यादा गर्म है, ऐसे एक दो बार मिलाते मिलाते थोड़ा डो भी ठंडा हो जाएगा। अब इसकी लोई तोड़ के मैं मिठाई बना रही हूँ, आप देख लीजिए बहुत पसंद आएगा आपको ये मिठाई। देखिए इस तरह से बना ली हूँ, इसमें आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद के सजा सकते हैं, जो भी सजा सकते हैं, या ऐसे भी आप रख रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखेगा। मैं एक इसमें बादाम सेट कर दी हूँ, मैं सारे मिठाई में मैं एक एक बादाम सेट कर दी हूँ। अब मैं थोड़ी सी नारियल बुरा डालूँगी, इसमें मैं इस मिठाई को ऐसे लपेट लूँगी इस तरह से, देखिए, ताकि हमारे चारों ओर मिठाई में ये चिपक जाए नारियल का पाउडर। और मैं एक ट्रे में सेट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह सेट कर रही हूँ। दोस्तों पसंद आए तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार में अलग अलग तरह की मिठाई आपके सामने लेके उपस्थित हो सकूं जल्दी से जल्दी। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।